तो दोस्तों आज करने वाले हैं कैमरे को सही, यानी कि इसका कैमरा नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ रहा है वीडियो लूज, चारों पे लिखा हुआ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि वीडियो लूज क्यों लिखा हुआ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है या कैमरे की प्रॉब्लम है या DVR की प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शेरू और स्वागत है आपका टेक हुनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों पावर सप्लाई वाले डब्बे को चेक कि इसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको उतार लेते हैं और उतार के इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये देखिए इसमें लाइट तो आ रही है। तो अब चेक करते हैं कि ये पूरा डब्बा ख़राब हो गया है जो हमारा पावर सप्लाई वाला है, या हमारा कैमरा ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले कैमरे को चेक कर लेते हैं। तो कैमरे को चेक करने के लिए देखते हैं कि कैमरे के अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही है। तो उस पर हाथ रख के देखेंगे हम कि उसमें लाइटें आ रही है या नहीं आ रही है। फिर देखते हैं कि पावर सप्लाई वाला डब्बा ख़राब है, पहले कैमरे को चेक करते हैं। तो चलते हैं कैमरे को चेक करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ कैमरे पे हाथ रख लिया है, तो कम से कम एक मिनट तक हमारे को ऐसे हाथ रख के रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें एकदम से हटाना पड़ेगा, और हटा के हमारे को देखना पड़ेगा कि इसमें लाइटें आ रही नहीं आ रही है। रेड रेड कलर की लाइटें जलेगी, तो यदि ये रेड कलर की लाइटें जलती है तो समझ लीजिए कैमरा सही है हमारा। चलो दोस्तों इसमें लाइटें तो नहीं आ रही है। अब देखते हैं हम कि पहले सबसे पहले करते हैं पावर सप्लाई वाले को चेक, फिर देखते हैं कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें तो लाइटें आ नहीं रही है, तो शायद दोस्तों पावर सप्लाई वाले डब्बे में ख़राबी है। तो सबसे पहले चलते हैं पावर सप्लाई वाले डब्बे को चेक करते हैं। कर देना चलू कर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोल लेते हैं, जो कैमरे के तार लगे हुए हैं हमारे दोनों तारों को निकाल लेंगे। ये दोनों मैंने निकाल लिए, इस पावर सप्लाई वाले डब्बे को यहीं रहने देते हैं। तो अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। दो कैमरे लगे हुए हैं तो दोनों के एक साथ ही जुड़े हुए हैं, तो एक सिंगल कैमरे को चेक करेंगे हम। तो दोस्तों मैंने ये तार अलग अलग कर लिए हैं और निकाल दिए पावर सप्लाई वाले डब्बे में से, और दोनों कैमरे के तार अलग अलग कर लिए मैंने। दो कैमरे लगे हुए थे, दोनों के अलग अलग कर दिए। और यहाँ लिया दोस्तों मैंने एक DTH का अडेप्टर, जो एयरटेल टाटा स्काई इसमें आता हमारे यूज़ में। और ये इसकी पिन है दोस्तों, इस तरीके से गोल है देखिए आप। तो इसको लगा लेते हैं दोस्तों लाइट में। तो यहाँ दोस्तों मैं इसको लगा लेता हूँ लाइट में, और इससे चेक करेंगे हम हमारा कि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है या और किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये बाहर वाला तो है, माइनस वाला अंदर वाला है प्लस वाला, तो इसके अंदर डाल देते हैं इस तार को अंदर की तरफ, ठीक है दोस्तों। और ये लगा देते हैं हम बाहर की तरफ। ये हमारा कैमरा आ गया है, यानी कि हमारा कैमरा सही है, केवल पावर सप्लाई वाले की प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों ये चालू हो गया कैमरा, तो कैमरे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो हम पावर सप्लाई का डब्बा चेंज करेंगे तो हमारे दोनों कैमरे चालू हो जाएंगे। तो यहाँ लिया दोस्तों मैंने पावर सप्लाई वाला डब्बा, और ये बड़ा ही शानदार डब्बा है पावर सप्लाई वाला, और ये है BIS अप्रूव्ड। और आपके पास जो भी पावर सप्लाई का डब्बा हो, आप सेम टू सेम देख लेंगे कि वो 12 वोल्ट का होना चाहिए, जैसे इस पर लिखा हुआ पुराने वाले पे 12 वोल्ट, और ये 60 वाट का है। और दोस्तों जो मैंने ये लिया ये भी 12 वोल्ट 60 वाट का है। तो हम इसको लगा के और फिर चेक करते हैं कि कैमरे हमारे चलते हैं या नहीं चलते। तो दोस्तों मैंने पावर सप्लाई वाला डब्बा चेंज कर दिया और दूसरे डब्बे के अंदर वायर लगा दिए। अब इसको हम करते हैं पावर प्लग, यानी कि इसको लगाते प्लग के अंदर, और फिर देखते हैं हमारे दोनों कैमरे आते या नहीं आते। तो इसको तो लगा देते दोस्तों, यहाँ टांग देते वापस जहाँ पर इसकी जगह है, तो ये थोड़ा सा कील में नहीं जा रहा, ये दोस्तों ये मैंने लगा दिया। और अब लगाते हैं हम तार। तो ये दोस्तों तार की एक की पिन है, एक की पिन नहीं है, तो ये तार को थोड़ा सही। तो दोस्तों मैंने प्लग में लगा दिया और यहाँ से बटन को चालू कर दिया है। तो यहाँ हमारी स्क्रीन आ जानी चाहिए, और ये मैंने मॉनिटर को चालू कर दिया इसकी LCD को। देखते हैं यहाँ लोडिंग आ रहा दोस्तों। तो यहाँ कैमरा तो एक तो आ गया दोस्तों हमारा, और ये दूसरा कैमरा भी दोस्तों हमारा आ गया, यानी कि दो कैमरे लगे हुए थे, दो ही कैमरे और दोनों कैमरे हमारे दोस्तों चालू हो गए। तो हमारा कैमरा ख़राब नहीं है, केवल पावर सप्लाई का डब्बा ख़राब था जो हमने चेंज कर दिया। और हमारे तो दोस्तों मैंने पावर सप्लाई वाला डब्बा लगा दिया, उसमें तार लगा दिए, और इसको लटका देते दोस्तों यहाँ पर कील में। और यहाँ है दोस्तों ये मैंने इसको प्लग इन कर रखा है, तो यहाँ से इसको कर देते ऑन, और ये है हमारा मोनीटर। तो अब इसको ऑन होने देते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि हमारे कैमरे चालू होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों देखिए तो ऑन हो गया और हमारे दोनों कैमरे चालू हो गए हैं। तो दोस्तों केवल पावर सप्लाई के डब्बे की प्रॉब्लम थी,
उससे हमारे कैमरे की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो आप ऐसे ही, यदि आपके कैमरे के अंदर वीडियो लूज लिखा हुआ आता है, तो आप ऐसे ही अपने कैमरे चेक कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं, तो आपके पैसे ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।